बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम लोग जा रहे हैं हेड सुलेमान की बॉर्डर एरिया। बाइक हैं दो, बाइकों पर गालबन 77 किलोमीटर है इधर से। अभी पता चलेगा जाएंगे तो कितने किलोमीटर है, कैसे हिसाब है और कितनी देर में जाते हैं। अभी टाइम हुआ है 11:30 हो गए हैं। अभी निकलेंगे तो पता चलेगा कितनी देर में उधर जाते हैं और रास्ते में कैसे हिसाब है। जैसे जैसे रास्ते में जाएंगे वीडियो तो बनाते जाएंगे। हाँ जी बिस्मिल्लाह जी, हम उकाड़ा से जा रहे हैं हेड सुलेमान की बॉर्डर एरिया, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो उम्मीद है कि हम जो आर्मी की परेड है ना उस पर भी पहुँच जाएंगे, उसी टाइम पर पहुँच जाएंगे। अभी हम रुके हुए हैं, रास्ते में एक दोस्त है उसकी नर्सरी फार्म है, उधर रुके हैं 5-10 मिनट के लिए। चलो थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगी और थोड़ा पानी छानी भी खाया। ये दोस्त है हमारा, हवेली रखा उधर है, ये नर्सरी फार्म है उसका। बाइक्स तो खड़ी हुई हैं, ये जहीर साहब हैं, ये जानी दिला दा जानी, ये गुफार साहब हैं। तीन और चार मैं, चार दोस्त हैं और दो बाइक्स हैं। एक दोस्त हमने रास्ते में लिया है, पांच है तो पांच दोस्त हैं तो दो बाइक्स। तो रास्ता तो काफ़ी, रोड इतना क्लियर तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। 80 किलोमीटर है उकाड़ा से ये सफ़र हेड सुलेमान की तक। हेड सुलेमान की, इसको बोलते हैं हेड सुलेमान की। दरिया के उस तरफ आगे बॉर्डर एरिया है, यह दरिया है। अभी जाएंगे आखिर तक और कोशिश करेंगे कि शाम की परेड भी देखें। तो आखिर तक तो जाएंगे जिधर तक वो जाने देंगे। बाकी आर्मी एरिया है वो इनकी लिमिट होती है, एक हद होती है बस। दिल्ली इधर से है कुछ 400 किलोमीटर बस। जी तो ये बाकी हेड सुलेमान की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ना बॉर्डर, जैसे कि लाहौर में वाघा बॉर्डर है ऐसे है इधर। अभी हम जा रहे हैं, मैं आपको परेड भी दिखाऊंगा। तो ये रास्ता है, गाड़ी वो पीछे खड़ी कर देते हैं गालबन इधर से 3 किलोमीटर पीछे, वो बाइक है गाड़ी है उधर खड़ी करें। तो किसी के नाम का इस्तेमाल किया, उसी से पूछा था तो उन लोगों ने 2 किलोमीटर आगे आने दिया बस। अभी पीछे उन लोगों ने बोला इधर गाड़ी खड़ी करें, अभी आगे तो पैदल ही है। फिर ये वाघा बॉर्डर वाला हिसाब तो नहीं है इधर के, रोड पक बने हुए हैं और सब ऐसे कच्चा है सब। आर्मी आ रही है आप देख सकते हैं। अल्लाह अल्लाह।
ठीक है ना बंदे मातरम Oh, 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 oh
ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਪੈਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਵੀ